नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી અને હું છું લુબના ખાન। જોઈએ તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર ગુજરાત 200 ન્યૂઝમાં। દ્વારકા અને ડાકોરમાં ફાગણી પૂનમને લઈને ભક્તોનું ઘોડાપૂર, ડાકોરમાં પૌરાણિક હોળીનું કરાયું દહન। ગાંધીનગરના પાલજગામમાં રાજ્યની સૌથી મોટી હોલિકા દહન, 35 ફૂટ ઊંચી હોળી દહન કરવામાં આવશે। ગામમાં હોળી પ્રગટાવીને તેના અંગારા ઉપર ઉઘાડા પગે ચાલવાની વર્ષો જૂની પરંપરા। जामनगर में विश्वविख्यात 25 फूट की ऊंची होलिका तैयार कराई। भोई ज्ञाति द्वारा थतो होलिका महोत्सव छे विश्वविख्यात। 66वां वर्षे होलिका उत्सव उजवा लोगों में अनेरो थनगनाट। जामनगर में होली निमित्ते आचार्यपीठ नवतनपुरी धाम खिजड़ा मंदिर खाते थयुं भव्य आयोजन। भगवान श्री राज श्याम जी ने अन्नकूट धरावायो। भक्तों भगवान ने विविध वानगियों थाळ धराव्या। होली पर्व ने लईने मंदिर में भक्तों नो धसारो। होली धूळेटी ने लईने जेतपुर में पोलीसे बहार पाड्यु जाहेरनामु। केमिकल युक्त रंगों, फुग्गाओ के अन्य ज्वलनशील पदार्थी वस्तुओं साथे जाहेर रस्ताओ पर दौड़वानी मनाई। कायदो व्यवस्थानु पालन थाय ते माटे चुस्त अमलवारी करवामां आवशे। सूरत में फेशन इंस्टीट्यूट की विद्यार्थिनीओए धूळेटीनी उजवणी करी। रंगों साथे डीजीना ताले झूमीने विद्यार्थिनीओए उजव्यो त्यौहार। कोरोना काल बाद 2 वर्ष बाद धूळेटीनी उजवणी थता युवानो अनेरो उत्साह। पोरबंदर जिला एनएसयूआई आगेवानो अने कार्यकरोए प्रज्ञाचक्षु साथे रंगोत्सव मनाव्यो। शहेरना अंधजनों गुरुकुल में डीजेना ताले प्रज्ञाचक्षु साथे गुलाल अने इको फ्रेंडली कलर थी होळी पर्वनी उजवणी करता जोवा मळ्या। अमदावादना मणिनगर में कुमकुम स्वामीनारायण मंदिर में होळीनी उजवणी कराई। भगवान स्वामीनारायण ने चांदीनी पिचकारी धरावामां आवी, साथे ज हारडा धाणीना हारनो करायो विशेष शणगार। हरिभक्तोए होळी पर्व निमित्ते धून कीर्तन साथे वचनामृत ग्रंथनु पठन कर्युं। साधु प्रेम वत्सलदासजीए समजाव्यो होळीनो महिमा। कह्युं फागण वसन अने होळीनो त्रिकोणीय संगम। अमदावादना इंटरनेशनल एरपोर्ट पर होळी धूळेटीना पर्वने लईने उजवणी। एरपोर्ट पर आवता जता मुसाफरोने वली अने मांडल जेवी परंपरागत कळाना विविध स्वरूपोथी माहितगार कराया। फागणी पूनम ने लईने डाकोर में भक्तों की भीड़। भारी गर्मी वच्चे पण पगपाळा संघो आवी रह्या छे डाकोर। डाकोर में पोलीस तो चुस्त बंदोबस्त गोठवायो। कोरोना की गाइडलाइन साथे दर्शन। अमदावादना नारणपुरा विस्तार में माधव स्मृति गार्डन में होळी महोत्सव। होळी महोत्सव निमित्ते योग शिबिर नु आयोजन। योग बोर्ड चेरमेन शिषपालजीए योग शिबिर नु संचालन कर्यु। द्वारका में मंदिर चौक, शाक मार्केट चौक, होळी चौक, तीनबत्ती चौक और गोमती घाट पर मोड़ी सांजे प्रगटावामां आवशे होळी। आयोजकोए भक्तों माटे जलेबी गांठियाना नाश्तानी करी व्यवस्था। मोरबी में होळीनी उजवणीने लईने लोकोए खरीदी करी। त्यौहार पर मार्केट में धूम जोवा मळी। लोकोए छेल्ली घड़ी सुधी खजूर, पतासा, धाणी, दाड़िया सहित पिचकारीनी खरीदी करी। गुजरात में होली दिवसे गर्मी पारो आसमाने। 12 शहरों में गर्मी पारो 40 डिग्री ने पार। 42 डिग्री तापमान साथ अमदावाद सौथी गरम शहर। भूज, अमरेली, राजकोट, सुरेन्द्रनगर में 41 डिग्री तापमान। केशोर, डिस्सा, गांधीनगर और वडोदरा में 41 डिग्री तापमान नोधायो तो कंडला, पोरबंदर, वल्लभ विद्यानगर में 40 डिग्री तापमान। काड़झाड़ गर्मी थी लोग त्राहीमा पुकारी उठ्या। राज्य में वच्चे गर्मी पारो। हवामान विभागे करी गर्मी की आगाही। धूळेटी सुधी राज्य में काड़झाड़ गर्मी पड़े। 18 मार्च सुधी हिटवेव की आगाही। सौराष्ट्र कच्छ में भारी गर्मी की आगाही। सौराष्ट्र कच्छ में ऑरेंज एलर्ट जाहिर। दिलीप संघाणीए रासायणिक खातर में भाव वधारा आप संकेत। खेडूत ने 267 रूपये मिले यूरिया की थैली। सरकार 3733 रूपया चूकवे सबसिडी। खातरना भाव वधारे ने लईने इफको चेरमेन दिलीप संघाणी नु मोटू निवेदन। कह्युं कोई ने पोसाय नहीं एटलो भाव वधारो आंतरराष्ट्रीय स्तरे थयो। खेडूतोने खातरनो ओछो उपयोग करवानी सलाह। नवी शिक्षण नीति में भगवद गीतानो करायो समावेश। गीता पर वक्तृत्व स्पर्धा, श्लोगान सहित आयोजन कराशे। धोरण 6-12 में गीताना सिद्धांतो अने मूल्यो समजावतो अभ्यासक्रम दाखल कराशे। धोरण 1 અને 2 માં અંગ્રેજી વિષય દાખલ થશે। શિક્ષણ મંત્રી જીતુ વાઘાણીની જાહેરાત। ધોરણ 1 અને 2 માં અંગ્રેજી હવે ફરજિયાત।
शिक्षकों ने ओरडा बाबते गृह में शिक्षण मंत्री निवेदन कहूं जे शाळा में एक शिक्षक है त्या मात्र 15-20 विद्यार्थियों करे अभ्यास 171 शाळा में 15-20 विद्यार्थियों करे अभ्यास। विद्या सहायकों की भर्ती प्रक्रिया अंगे बोलिया जीतू आघाणी 3,300 विद्या सहायकों की भर्ती प्रक्रिया चालू प्रवासी शिक्षकों ने पण व्यवस्था कराई 19,000 शिक्षकों की घट होवानो गृह में स्वीकार। ओरडा ने लेने जीतू आघाणी निवेदन कहू ओरडा कारण विद्यार्थियों नहीं भणता एम नहीं नवा 10,000 ओरडा बनावा जोगवाई आज 2,000 करोड़ मात्र ओरडा बजेट। शिक्षण 14% वधारा साथ 34,884 करोड़ बजेट मंजूर ओरडाओं की घट सहित मुद्दे बजेट नी कराशे फाड़वनी वाघाणी कहू कांग्रेस समय 43,000 शिक्षकों की घट थी। G23 की बैठक बाद शंकरसिंह वाघेला बड़ापो कहू सोनिया ने राहुल गांधी ने न अपाई सारी सलाह प्रियंका गांधी ने खोटा समय राजकारण में लवाया। G23 नेताओं की बैठक में हाजरी आप्या बाद शंकरसिंह वाघेलाए कांग्रेस ने आपी सलाह 5 राज्यों चूंटणी परिणामों ने टांकता कहू कांग्रेस में संवाद नो अभाव एज सौथी मोटी समस्या। शंकरसिंह पंजाब में पार्टी लीधेला निर्णयों ने लई उठाव्या सवाल कहू सोनिया गांधी तमाम नी वात सांभळीने निर्णय लेता राहुल व्यक्ति खराब नहीं पण जनरेशन गैपना कारणे भोगवू पड़े छे कांग्रेस ने। शंकरसिंह अहमद पटेल योगदान ने याद करता कहू तेमणे कांग्रेस ने साचवी राखी थी पीढ़ नेतृत्व अभावे हाल कांग्रेस धोवाई रही है हालना सलाहकारों कांग्रेस ने जोड़वानू नहीं परंतु तोड़वानू करे छे काम। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयेश रादड़िया नेतृत्व में 19 तारीखे मळशे लेवा पटेल समाज की बैठक नरेश पटेल सहित अग्रणी हाजर रहना होवाथी बैठक पर सौनी नजर 2 वर्ष बाद प्रथम वक्त मळशे ट्रस्ट की बैठक। नरेश पटेल राजनीति में जोड़ावा मामले बोलिया दिलीप संघाणी कहू समाज कई कहवा तो नहीं समाज एटले कौन ए नरेश पटेल स्पष्ट करे नरेश पटेल समाज ना नामे न करे राजनीति। अल्पेश कथेरियाए दिलीप संघाणी पर कर्या प्रहार नरेश भाई ने टार्गेट करता निवेदन ने लेने असहमत कहू अनामत आंदोलन केस पाछा खेचवा के पछी खोडलधाम निर्माण में दिलीप भाई शू योगदान आप्यू आपे जवाब। हिजाब मामले केंद्र सरकार नो परिपत्र बिनजरूरी विवाद अटकावा सूचना कायदो व्यवस्था जाळवा अपील कराई जीतू आघाणीए परिपत्र मामले आपी माहिती। बोटाद नगरपालिका में 22 सभ्यों राजीनामा मामलो कमलम पहुंचो भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष भरत बोघरा ने प्रदेश कारोबारी सभ्य नीबूबेन बांभणियाए मोरबी ने बोटाद प्रभारी साथ सर्किट हाउस में बैठक करी। बैठक में तमाम सभ्यों ने होद्देदारों पण रहा हाजर वोर्ड प्रमाणे सभ्यों ने सांभळवानी कामगीरी शुरू कराई सूत्र प्रमाणे आंतरिक विवाद ने पगले बोटाद नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुख सहित कारोबारी चेरमेन ना लेवाई शके छे राजीनामा। पाटण नगरपालिका ने हद विस्तारों में लगावेला भाजपा राजकीय कार्यक्रम बेनरो कार्यक्रम पूर्ण थया बाद पण न हटावाता कांग्रेस आक्रमक बेनर्स पर ऑइल तेमज काळो कलर मारी ने कर्यो अनोखो विरोध। बेनर हटावा कांग्रेस कार्यकरोए कर्या सूत्रोच्चार 16 तारीख सुधी नाणा भर्या वगरना राजकीय धंधा के तमाम प्रकारना बेनर्स उतारी लेवा नगरपालिकाना चीफ ऑफिसर ने करी रजूआत आंदोलननी चीमकी उच्चारी। बनासकांठामां केनालना पाणी मुद्दे आंदोलनना एंधाण खेडूत आगेवाने ट्वीट करीने पाणीनी मांग करी दियोदर लाखणीनी सुजलाम केनालमां फेब्रुआरीथी बंध थयुं छे पाणी केनाल में पानी नहीं छोड़ाए तो 21 मार्च थी धरना शुरू करने की चीमकी सुजलाम केनाल कोरी धाको रहता हजारों खेडूतो केनाल ना पानी थी वंचित। नड़ियाद कोर्टे पोक्सो केसना आरोपी ने संभरावी फांसी की सजा सगीर वही की दीकरी पर गुजारियो हतो बलात्कार भोग बननारा सगीरा ने 2 लाख नो वर्तर चुकवानो आदेश। साबरकांठा में हेडक्लार्क पेपर लीक मामलों 82 दिवस बाद पुलिस चार्जशीट दाखिल कर 14,132 पाना की चार्जशीट दाखिल कराई केस में 33 शकमंदों पकड़ाया 23 शकमंदों ने पकड़वाना बाकी। वडोदरा में आवास मुद्दे विरोध कर रहेली 3 महिलाओं ने पानी की टाँकी पर नीचे उतारवामां आवी कल्याणनगर की महिलाओं ने आवास न मळता विरोध कर्यो हतो महिला की तबियत लथड़ता सारवार हेठळ खसेड़ाई। सूरत में स्वीमेर होस्पिटल में मृतक सगा होबाड़ो टेम्पा चालके अड़फेटी लेता वृद्ध मौत वृद्ध परिवारजनों फरज पर तबीबों स्टाफ की साथ धक्का मुक्की करी मामलों गरमाता पुलिस बोला पड़ी।
हेटलाक की परीक्षा पहला ज गौण सेवा पसंदगी मंडल विवाद में आव्यु। खर्च ने लईने गौण सेवा मंडल अने पोलिस भर्ती बोर्ड वच्चे लड़तना मंडाण। परीक्षा योजवा माटे शाला संकुल ओछा में ओछो 5000 जेटलो खर्च। कच्छना सरक्रीक माती बे पाकिस्तानी बोट झड़पाई। बीएसएफए माछीमारों ने बे बोट जप्त करी। पेट्रोलिंग दरमियान हिलचाल नु अवलोकन करी बोट जप्त करी। बोट माथी माछीमारी नी जाळ अने माछीमारी ना साधनों मळी आव्या। सूरत पोलिस कमिश्नर एक्शन मोड में गुनेगारों ने शोधवा अने ओळखवा नवी रीत। गुजरात में पहली बार नवी रीत अपनावी। पहला अने अत्यारे ज चेन स्नेचिंग में पकड़ायेलाओनी ओळख परेड। शहेरना 280 स्नेचरो ने एक ही साथ भेगा करी ओळख परेड। कोई लूट के स्नेचिंग की घटना बने तो केवा आरोपी ने पकड़वा ते अंगे सूचन। तमाम पोलिस कर्मीओ आरोपी चेहरा ओळखे ते माटे परेड। विधानसभा सत्र में सरकारे आपी माहिती। बे वर्ष में चेकपोस्ट पर करोड़ों दारू पकड़ायो। पोलीसे बे वर्ष में 8 करोड़ वधुनो दारू पकड़ियो। सौथी वधु शामळाजी में चेकपोस्ट पर दारू पकड़ायो। राज्य सरकार ने ई मेमो द्वारा करोड़ों रूपया की आवक थी। बे वर्ष में ई मेमो द्वारा सरकार ने 61 करोड़ 42 लाख की वधु की आवक। भावनगर में वारंवार विमान की सेवा चालू बंद थवानो मुद्दो संसद गृह में गाज्यो। सांसद डॉक्टर भारतीबेन शियाड़े मुद्दो उठाव्यो। विमान की सेवा वारंवार बंद थी जता मुसाफरो ने भारे मुश्किल। राज्य सरकारे विश्व योग दिवस की उजवणी में लाखों रूपया खर्च कर्या। वर्ष 2021 में 45,81,273 रूपयानो खर्च करायो। छेल्ला बे वर्ष में 1,15,000 लोको ऑनलाइन पण जोड़ाया। विधानसभा में प्रश्नोत्तरी काल में पूछायो प्रश्न। आनंद चौधरी ए रमतगमत मंत्री ने पूछो सवाल। प्राथमिक शाला में व्यायाम शिक्षक नहीं। रमतगमत कला संगीत की प्रवृत्ति बंद थी गई। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों माटे सारा समाचार। जीपीएससी द्वारा वर्ष 2022-23 कैलेंडर जाहिर करायू। कैलेंडर में कुल जुदी जुदी 58 नौकरियों में 1024 जेटली अंदाजित जगह बहार पड़वामां आवी। शाळाना स्थापना दिवस की कराशे उजवणी। पीएम मोदी की सूचन पगले भूपेन्द्र पटेल की सरकार निर्णय। शाळाना स्थापना दिन ने जन्म दिवस की जेम रंगे चंगे उजवणी कराशे। द्वारका जाम खंबाड़िया मार्केटिंग यार्ड होद्देदारों की चूंटणी। चेरमेन और वाइस चेरमेन की चूंटणी। पूर्व प्रमुख पीएस जाडेजा पत्नी बनी शके छे चेरमेन। 16 सभ्यों बिनहरीफ विजेता जाहिर। खरीद वेचाण संघ ना बे मळीने कुल 16 सभ्यों बिनहरीफ। भावनगर में सरदार नगर और घोघा सर्कल ब्यूटिफिकेशन फाड़वेला लाखों रूपया पानी में। बने सर्कल ब्यूटिफिकेशन फरी टेन्डर प्रक्रिया करने नक्की करायू। एक वर्ष बाद तंत्र की आंख उघड़ी। बगीचा डेवलपमेंट अर्धु काम थे बाद डिजाइन बदलाई। अमदावादनी वधु एक शाळाए स्कूल बंद करवानी करी अरजी। निर्णय नगरनी स्वामीनारायण स्कूले डीओ कचेरी में करी अरजी। स्कूल द्वारा नवा एडमिशन लेवाना बंद कराया। तापीना गोड़धा गामना पशुपालक पन्ना बहने चाफ कटर मशीन उपयोग करीने दूधनी आवक में वधारो कर्यो। लीलो सूको घासचारो चाफ कटर मशीन में कापीने नाखवाथी सारी रीते चावीने खाई शके छे जेनाथी वधे छे दूधनु उत्पादन। द्वारकाना खंबाड़िया मार्केटिंग यार्डना होद्देदारों की चूंटणी। चेरमेन और वाइस चेरमेन की चूंटणी योजाई। चेरमेन तरीके चंदुबा जाडेजा बिनहरीफ विजेता थया। वाइस चेरमेन तरीके जयंतीभाई डाहियाभाई नकुम बिनहरीफ विजेता। भावनगरनी वल्लभीपुर एपीएमसी की चूंटणी योजाई। भाजपा उम्मीदवार ठाकरशीभाई बोगरानी मार्केटिंग यार्डना चेरमेन तरीके बिनहरीफ वरणी। समाचारों प्रवाह यथावत रहेशे। हाल रोकाशो एक ब्रेक माटे। आप जोता रहो न्यूज 18 गुजराती। वेलकम बैक। नजर करिए गुजरात 200 न्यूज पर। भावनगर में कोर्पोरेशन ना अणघण वहीवट कारण प्रजा पैसा नु पानी। सरदार नगर और घोघा सर्कल ने डेवलप करने लाखों रूपया खर्च। बन्ने सर्कल ब्यूटिफिकेशन अर्धु काम पूर्ण थे बाद बदलाई गई डिजाइन। तंत्र ने बगीचा ने डिजाइन और काम नबड़ू लगता नवेसर से डिजाइन बनाने टेन्डर प्रक्रिया करने नक्की करायू। एप्रिल 2021 में 75 लाख खर्चे टेन्डर प्रक्रिया कर एजेंसी ने सौंपायु हतुं काम। नसवाड़ी गामना बिस्मार रस्ताओ थी रहीशो अने राहदारियों हैरान थई आखर धरना पर बैठा। तंत्र ने अनेकवार रजूआत कर्या छता तंत्र मौन। सरकार की नजर पड़े ते माटे लोकोए रस्ता पर बेसीने रामधून बोलावीने कर्यो विरोध।
માંડવીના ધારાસભ્ય આનંદ ચૌધરીનું પાર તાપી લિંક યોજનાને લઈને નિવેદન, કહ્યું યોજનાને લઈને આદિવાસી સમાજમાં રોષ અને આક્રોશ. નદીઓના લિંક પ્રોજેક્ટથી 10,000 હેક્ટર જમીન સંપાદન થશે, જેમાં 50,000થી વધુ પરિવારોને વિસ્થાપિત થવું પડશે. વધુમાં ઉમેર્યું, આ ડેમનું પાણી ઉદ્યોગોને જ આપવામાં આવશે. અમરેલીના રાજુલાના હિંડોરણા ગામ નજીક નર્મદા પાઇપલાઇનમાં ભંગાણ. નર્મદા પાઇપલાઇનમાં ભંગાણ સર્જાતા 20 ફૂટ પાણીના ફુવારા ઉડ્યા. ભંગાણના કારણે હજારો લીટર પાણીનો વેડફાટ. મહીસાગર જિલ્લાના કલેક્ટર મનીષ બંસલની લોકોને અપીલ, વિકાસના કામોમાં સમાવેશ કરવા માટે અનેક કામો માટે સૂચનો માંગ્યા. સાબરકાંઠાના વીરપુર ગામની શાળામાં તોડફોડનો મામલો. સ્કૂલ બનાવનારે મજૂરોને પૈસા ન આપ્યાનો હતો આરોપ. પોલીસે ફરિયાદ બાદ 6 લોકોની કરી અટકાયત. મજૂરોને પૈસા ન આપતા થઈ હતી તોડફોડ. વલસાડના ખત્રીવાડની બેંક ઓફ બરોડાના પૈસા ઉપાડવા ગયેલી મહિલાએ 50,000 ગુમાવ્યા. મહિલા એટીએમમાં અન્ય મહિલા સાથે વાત કરતી હતી. તે દરમિયાન અન્ય મહિલાએ તેની બેગને બ્લેડ વડે ચીરીને પૈસા લઈ છૂમંતર થઈ. મોરબીના વાંકાનેરમાં પરિણીતાએ સાસરિયાઓના ત્રાસના કારણે ફાંસો ખાધો. રાજકોટની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન મહિલાનું મોત. મૃતક મહિલાના માતા પિતાએ સાસરિયાઓ સામે નોંધાવી પોલીસ ફરિયાદ. મહિલાના પતિ અને સાસુ સસરા છૂટાછેડા આપવા બાબતે દબાણ કરતા હતા તેવો પણ આરોપ. માતાએ આપઘાત કરી લેતા 5 વર્ષની દીકરીએ માતાની છત્રછાયા ગુમાવી. સુરતના સરથાણામાં કાપડની દુકાનમાં કામ કરતા કર્મચારીએ વેપારીની પત્ની સાથે કર્યો દુષ્કર્મ. મહિલાને ફોટા વાયરલ કરવાની ધમકી આપી 7 લાખથી વધુ રૂપિયા પડાવ્યા. ફરિયાદના આધારે આરોપીની ધરપકડ. સુરતમાં 2 દિવસ પહેલા થયેલી 2.5 લાખની લૂંટનો ભેદ ઉકેલાયો. ઓફિસમાં કામ કરતા વ્યક્તિએ જ ઘડ્યો હતો લૂંટનો પ્લાન. પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં 2 આરોપીની કરી ધરપકડ. 7 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો. પોરબંદરમાં કચરા ઉપાડવાની બાબતમાં ભાજપના આગેવાનનું અપહરણ કરીને ઢોર માર મારતા પોલીસ ફરિયાદ. પોરબંદર છાયા નગરપાલિકાની સુધરાઈ સભ્ય તેમજ તેના પિતા સહિત 6 લોકો પર આરોપ. અમદાવાદમાં આધાર કાર્ડમાં સરનામું બદલવા છેતરપિંડી. કલેક્ટર સંદીપ સાંગલેની ખોટી સહી કરી એડીએમનો સિક્કો મારી દીધો. જે મામલે 2 વ્યક્તિઓની ધરપકડ. સુરતમાં આર્મી જવાને પત્ની છૂટાછેડા ન આપતા મિત્ર પાસે 15 દિવસમાં 2 વાર ફાયરિંગ કરાવ્યું. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 2 શૂટરોને ઝડપી પાડ્યા. 2 યુવકો ગણતરીના સમયમાં 3 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરીને ભાગી છૂટ્યા. અમદાવાદના નારોલમાં લોખંડના સળિયા તેમજ કેમિકલ ચોરી કરતી ગેંગ પકડાઈ. સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલે 2 અલગ અલગ જગ્યાઓ પર સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલે દરોડા પાડ્યા. 74,06,000ના લોખંડના સળિયા અને 7,65,000 રૂપિયાનું કેમિકલ જપ્ત કરાયું. સુરત ગ્રીષ્મા હત્યા કેસ મામલાનો આરોપી ફેનિલે જેલમાંથી ફોન કરી સાક્ષીને પોતાની તરફેણમાં જુબાની આપવા દબાણ કર્યું. જેલના કેદી તરીકે મળતા લાભનો ગેરઉપયોગ કર્યો હોવાની કોર્ટમાં થઈ ફરિયાદ. કૃષ્ણ નામની યુવતીએ કોર્ટમાં સમગ્ર મામલો જણાવતો થયો હતો ખુલાસો. હત્યાના બનાવના દિવસે પણ ફેનિલે કૃષ્ણને ફોન કરીને ગ્રીષ્માને મારી નાખવાની કરી હતી વાત. સરકારી વકીલ નયન સુખડવાળાએ કોર્ટમાં કરી લેખિત ફરિયાદ. રાજકોટના જેતપુરમાં પૂર્વ પતિએ ભત્રીજા સાથે મળીને પત્નીને મોતને ઘાટ ઉતારી પૂર્વ પત્ની પર છરીના ઘા ઝીકી હત્યા કરી. પોલીસે આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા. તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર. નરેશ પટેલ સમાજના નામે ન કરે રાજકારણ.